और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध क्यों हुआ, साथ ही साथ कि आखिर इस कलयुग में परशुराम भगवान का क्या रोल है, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी माना गया है हमारे पुराणों में। तो आइए बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वो भगवान शिव के अनन्य परम भक्त हैं। इन्हें भगवान शिव से ही विशेष परशु प्राप्त हुआ था, जिसके चलते इनका नाम परशुराम हो गया। वैसे इनका नाम तो राम था, किंतु भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया था। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अंश अवतार में से छठे अवतार थे, जो वामन अवतार एवं श्री राम के मध्य में आते हैं। सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्न भी कहा जाता है। भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। भगवान परशुराम के कथा अनुसार राजा का कर्तव्य होता है वैदिक सनातन धर्म के अनुसार राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित में कार्य करना, ना कि प्रजा से अपनी आज्ञा का पालन करवाए और राजा उसके अधिकारों पर अंकुश लगाए। जब परशुराम का धरती पर जन्म हुआ, तब उस समय दुष्ट व राक्षसी प्रवृत्ति के बहुत सारे राजाओं का पृथ्वी पर बोलबाला था। उन्हीं में से एक राजा ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि को मार दिया था। इससे परशुराम बहुत कुपित हुए और उन्होंने उस दुष्ट राजा का वध किया। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति के सभी राजाओं का वध करके पृथ्वीवासियों को भय मुक्त किया था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध क्यों हुआ था। बृहव्रत पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे और माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर ये कहकर खड़ा कर दिया कि किसी को भी वो अंदर ना आने दें। लेकिन जब भगवान परशुराम कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश के द्वार में प्रवेश करने लगे, तो द्वार पर नंदी और आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। भगवान परशुराम ने उनसे भगवान शिव के बारे में पूछा कि इस समय वो कहाँ हैं। इस पर नंदी महाराज ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि भगवान शिव कहाँ हैं। तो भगवान परशुराम ने नंदी आदि शिव गणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं? ऐसे में तुम शिव गण कहलाने लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिव गणों पर क्रोध किया और खुद भगवान शिव को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहाँ द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। भगवान परशुराम उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब भगवान गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह रोकने का प्रयास कर रहे हो? इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन है जो इस तरह अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं? इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आए और भगवान परशुराम को बताया कि ये गजमुख वाला बच्चा माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से ये कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के अनन्य परम भक्त परशुराम है। भगवान परशुराम ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी शरीर इंसान का, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? तभी गणेश जी ने भगवान परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? इस पर दोनों में बहस होती रही। इसके बाद परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर अंदर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार की। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम जी के फरसे द्वारा गणेश जी का एक दांत कट गया, जिसके चलते उनका नाम एक दंत भी पड़ा।
जी हाँ, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है। जी हाँ, उन्हें एक आशीर्वाद प्राप्त है कि वो इस कल्प के आखिर तक यानी कि कलयुग के समाप्त होने तक इस धरती पर रहेंगे, क्योंकि आखिरी में उनका एक कर्तव्य बाकी ये रहेगा कि इस घोर कलयुग में जब भगवान श्री कल्कि का जन्म होगा और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके पश्चात वो उनके गुरु का रोल अदा करने के बाद ही इस धरती से जाएंगे और तभी उनका कर्तव्य पूर्ण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा आपसे कि इस घोर कलयुग में जब श्री भगवान कल्कि का जन्म होगा तो इस जन्म में उनके गुरु होंगे परशुराम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।